गाजीपुर के भावरकोल क्षेत्र के मांचा गांव में गुरुवार की रात शौच के लिए सिवान में गए कुंवर राम उम्र 58 वर्ष की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कुंवर राम घर पर रहकर खेती करते थे। रात में वह शौच के लिए सिवान में गए हुए थे। इसके बाद सभी सो गए। सुबह शौच के लिए उस ओर कुछ लोग गए तो घर से 250 मीटर दूर सिवान में वह गिरे पड़े थे। उनके गले पर चाकू के कई निशान थे। गांव में सूचना लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। शव को देखकर चीख पुकार करने लगे। सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह और SO हरिनारायण शुक्ल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ लोगों से पूछताछ की। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भावरकोल थाना अंतर्गत माचा गाँव में आज प्रातःकालीन ये सूचना मिली कि उनके उसी गाँव के सिवान में गांव के कुंवर राम की डेड बॉडी उन्हीं के खेत में पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस गई और डेड बॉडी को कब्जे में लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार से उन पर वार करके उनकी हत्या की गई है। इस संदर्भ में परिजनों से तहरीर लेकर के थाना भावरकोल में हत्या का भी पंजीकृत किया जा रहा है। जो लोग भी दोषी होंगे शीघ्र ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।